हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 8:30 बजे तक मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि आज नहीं, मतलब आज से 12 बजे के बाद ममता का बर्थडे स्टार्ट होने वाला है। 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को उसका बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको रात को सरप्राइज दिया जाए। और अभी सब लोग नीचे बैठे हैं, ममता भी नीचे ही है, तो अभी मैं भी चलती हूँ नीचे, वो सब लोग क्या करें। और हाँ, ये लोग यहाँ पे खेल रहे, ये रही बर्थडे गर्ल और ये रस्ट लोग थोड़ी डांस मस्ती करने के बाद मैं चली गई केक शॉप केक लेने के लिए, और वहाँ से चॉकलेट्स और ये वाला केक लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रात को तो जो भी सोचा था वो सारा फ्लॉप हो गया, क्योंकि मैं ही सो गई थी रात को जल्दी। और अभी बज रहे सुबह के 6, और चलो ऊपर चल के देख रहे हैं ममता क्या कर रही है। और ये रही ममता, यहाँ पे पापा का कोट पहन के बैठी हुई है। अभी ये जा रही है ट्यूशन, ट्यूशन के आने के बाद इसका करेंगे केक कटिंग। जा भाई, सरप्राइज का तो तोते उड़ गए दादी। और यहाँ पे चूल्हे पे पानी गर्म हो रहा है। मैंने ये भी देखो, ये पत्ता भी बना लिया, एक ही बना है अभी तक, दूसरे उसी डिब्बे में पड़े इसमें है। तो ये भी आ गई है ट्यूशन से मेरे पापा। हैप्पी बर्थडे ममता। तो अभी हम करेंगे केक कट, ऐसे तो रात को करना था बट रात को तो सब लोग सो ही गए थे, तो अभी कर लेते हैं। और फिर ममता ने केक को काटना स्टार्ट किया, बट इस वाले चाकू से तो केक कट ही नहीं रहा था, तो फिर लाया ये बड़ा वाला और इससे काटा। और यहाँ पे मुझे किसी ने खिलाया नहीं, तो मैं खुद से ही खाने लग गई। केक कट कर दिया है और पापा जा रहे दुकान। और ये भी निकल पड़े ट्यूशन के लिए। श्लोक का मुंह कुछ कह रहा है। मुड़ू जो गलत आत्म। तो अभी केक वेक कटिंग कर लिया है, और अब बाकी है कि मैंने एक अमेजोन से ये प्रोडक्ट मंगाया था, ये वाला ग्लोइंग पेंट। ये पूरा डिफेक्टिव निकला, यहाँ से पूरा ढक्कन भी निकला हुआ है, पूरा ख़राब निकला, तो इसको भी रिटर्न करना है। और क्योंकि ये मैंने मंगाया था, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो शूट की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अंदर ही ग्लो करता है, वन सेकेंड, ये देखो ये पूरा अंधेरे में ग्लो होता है। अभी जस्ट फई ने बोला कि हमें जाना है डीसा, तो मैं नाल तो लिया, ये मैंने पिंक वाली कुर्ती डाली है, और मैं अभी सिंपल सी पोनी कर देती हूँ और चलती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है वहाँ पे जाने के लिए। सो नाउ आई एम रेडी टू गो, सो चलो चलते हैं, बहुत ही देर हो गई है। मम्मी जय श्री कृष्णा। हम गए वैसे ही, बस देखी ज़्यादा देर उतना नहीं पड़ा था। हमारा जो भी काम था वो खत्म हो गया है, और अब कहाँ जाना है? पेट पूजा जाना है, कुछ ठूसने के लिए जाना है। इसका भी ये रहा, इसकी दवा लेने ही आए थे यहाँ।
अभी हम बस स्टेशन आ गए हैं तो पहले करेंगे थोड़ा नाश्ता। और ये यहाँ से अपने टेनिस से खेल देंगे। अभी हम नाश्ते में खा रहे हैं बेल। फिर हमने बस ली और मैं बस में जाके ही सो गई थी तो पता ही नहीं चला कब धानेरा आ गया। और मुझे फई ने उठाया कि धानेरा आ गया, अब उठ, तुझे व्लॉग नहीं बनाना। तो बाद में मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। मैं और जेंसू वापस घर पे आ गए। चलो जेंसू, चलो मैं घर पे आई और उसके बाद में बस मैं सो ही गई थी। अभी भी मेरी मतलब सुबह से ठंड में गई ना तो पूरा गला जाम हो गया है, बोला भी नहीं जा रहा है अच्छे से। तो उसके बाद मैंने दवाई ली और सो गई घर पे आके। व्लॉग ही नहीं बनाया और अभी 5 बज रहे हैं तो ममता निशा श्लोक भी स्कूल से आ ही रहे होंगे, शायद पाव भाजी बनाएंगे, देखते हैं और क्या होता है। ये आ गई हमारी बर्थडे गर्ल। बस रात को मम्मी ने बनाई पाव भाजी और फिर सबने मिलकर एंजॉय किया। उसके अंदर आना जाना हुआ तो इसी वजह से गला भी बैठ गया है और बुखार सा भी लग रहा है। तो अभी मैं आगे कल पता नहीं शूट कर पाऊंगी भी या नहीं, तो देखते हैं। चलो मिलती हूँ मैं आपको जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।